हम लाते हैं टॉप न्यूज आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ स्कीम uh, आ रही है Some sort of scheme is coming up. द स्कीम इज के उसमें जिन लोगों के पैसे बाहर हैं जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हुए उनको एक थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाए और एक महीने में अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं कि उनके डॉलर्स या उनके अकाउंट्स या उनकी प्रॉपर्टीज जो भी मुल्क से बाहर हैं वो अगर वो एक महीने के अंदर अंदर डिक्लेयर कर देते हैं तो वो उसमें एक सर्टेन अमाउंट दो परसेंट या तीन परसेंट वो दे दें तो वो उनके डिक्लेयर हो जाएगी और एक महीने के बाद दें तो फिर थोड़ी सी और को परसेंटेज बढ़ जाएगी और तीसरे महीने दें तो उसकी परसेंटेज मज़ीद बढ़ जाएगी जो उनको देनी पड़ेगी और वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं दूसरा ये है कि जनाब इस इस लॉ से ये जो स्कीम आ, सोची जा रही है ये जिस जिसपे काम हो रहा है उस पर यह है कि जनाब मियाँ साहब को भी उसका रिलीफ मिल सकता है बिसमान रहीम चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव साहब मेरे साथ मौजूद हैं और बिफोर आई गो टू तो आफताब शेरपाव साहब आई मस्ट से वन थिंग के बड़ा अरसा मैंने इनको जद्दोजहद करते हुए देखा और जेलें भी काटी और मारे भी खाई और ठीक है लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और करना भी चाहिए बिकॉज uh, पॉलिटिशन जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं और गलतियाँ भी होती हैं पॉलिटिशन से ये नहीं कि गलतियाँ नहीं हो सकती क्योंकि वन यू वर्क यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स सो शेरपाव साहब का भी एक कैरियर जो है वो जदोजहद से uh, कम नहीं है और वो जदोजहद जितनी तारीफ की जाए उनकी कम है और जैसे कि मैंने पहले कहा जेलें हो मारे हो जलसे हो जुलूस हो मैंने ख़ुद विटनेस किया है उनको हर जगह पर लेकिन अब आफ्ताब शेर पाओ साहब एक नई नई डायमेंशन के साथ अपनी पार्टी को लेके चलाना चाहते हैं चला रहे हैं आई वुड लाइक टू नो एंड आप भी चाहेंगे और पखतून भाई भी चाहेंगे कि जनाब वहाँ पे जो डीलिमिटेशन की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं आफ्ताब शेरपाओ साहब या उसके अलावा उनके हकूक़ की बात करते हैं पख्तूनों की आफ्ताब शेर पाओ साहब तो वो क्या है और डी डीलिमिटेशन से क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है मैं ये सब चीजें जानना चाहूंगा आफताब शेरपाव साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर मी बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब और बहुत शुक्रिया आपने मेरी बहुत तारीफ की मैं इसके मुश्तक नहीं हूँ इस लिहाज से बड़ी मारे खाई हैं आफ्ताब शेरपाव साहब आपने एंड कुछ मारों का और कुछ जद्दोजहद का मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का और जो जेलें काटी हैं आपने उसका भी मैं विटनेस हूं सो वो आ, आम आदमी इतनी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता जो आपने किए सो अगर आ, हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो थोड़ी तारीफ भी कर दें अच्छी चीज की तो कोई बुराई नहीं है इसमें और मेरा तो ये आ, पूरा पूरा पॉलिटिशन तो हो या कोई भी हो तो उसकी तारीफ करनी जहाँ पे बनती है जरूर करनी चाहिए अच्छा व्हाट इज हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा

हमने जदोजहद की उसके लिए कि मुल्क में सेंसेस हो क्योंकि वो हमारा हक बनता था कि उसी से रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है और ये सीटों का मामला भी था तो उसमें तो कामयाबी हो गई है कि डिलिमिटेशन हो गई है और सीटें भी हमारी आ, हमारी सीटें ज़्यादा हुई उसके बाद डिलिमिटेशन प्रॉब्लम ये आया कि डिलिमिटेशन में कुछ हमें कुछ समझ नहीं आई कि इन्होंने तो कहा कि जी नॉर्थ से शुरू करके नीचे जाएंगे और जेगजेक्ट मैनर में उसमें हर एक सीट में जो है आ, वो रदो बदल किया गया है जिससे चूंकि इलेक्शन अभी दो दो तीन महीनों के बाद वो बल्कि महीने की अभी तो इलेक्शन कैंपेन तो शुरू है और इन इस सूरत हाल में अगर आपके सीट और आपकी कॉन्स्टिटेंसी में रद्दबदल हो और नए इलाके आ जाएं तो उस लिहाज से आ, उन तक पहुंचना और आ, उस उन इलाक़ों को कवर करना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है असल में बात ये हुई कि आपने देखा होगा कि बड़े शहरों में आबादी बढ़ी है और उसके बुनियादी वजह यह है कि माइग्रेशन हुई है देहातों से रूरल एरिया से लेकिन उनके वोट जो हैं वो देहातों में ही है। हैं तो हमने ये इनको कहा इलेक्शन कमीशन को कि आप वोटर्स लिस्ट के मुताबिक डिलिमिटेशन करें बजाय इसके कि आप आ, आ, जो आबादी है उसके मुताबिक करें तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आए हैं मसलन हमारे कॉन्स्टिटेंसी में भी एक सीट कम हुई है तो उसकी वजह से सारा सिलसिला जो है आ, वो आ, बिल्कुल गड़बड़ हो गया है और दो हमारे कैंड जो सिटिंग एम पी एज़ हैं वो एक ही कॉन्स्टिटी में आ गए हैं तो ये सारा सिलसिला मेरा ख़्याल है कि उस लिहाज से आ, इसको अगर आ, पूरे पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो आ, शोर मचा हुआ है हर एक जगह इसके ऊपर अच्छा मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूंगा वट एग्जैक्टली इज़ रॉन्ग विद द प्रोवेंशल गवर्नमेंट जी खैबर पख्तूनख्वा की पी टी आई की हुकूमत जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स क्या है वो कोई एक दो तीन जो मेन प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई तो करें क्योंकि वो आपकी तरफ से आवाज़ आती है लेकिन कोई सच आप एक बिलियन डॉलर सॉरी बिलियन ट्री लगाने का जो मसला आता है उसमें आप बोलते हैं उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ दरख्तों का ही प्रॉब्लम है नहीं नहीं याराना साहब दरख्तों का सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है ये तो एक इशू है अच्छा आ, आ, एक अच्छा। इशू है और ये काफ़ी सीरियस इशू है क्योंकि इसमें भी एक बिलियन अभी तो इमरान खान साहब कहते हैं कि एक बिलियन और तीस करोड़ उन्होंने लगाए हैं ऑन ग्राउंड तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही और फिर इसमें कैश ट्रांजेक्शन भी हुए हैं लोगों को कैश पैसे दिए गए गवर्नमेंट के किटी से लेके कैश दिए गए तो वो तो अपनी जगह उसकी ये आ, नैब आ, एड्रेस करेगी इसके अलावा मैं आपको बताऊं एक तो जो एहतसाब कमीशन का जो मसला है आ, वो एहतसाब कमीशन इन्होंने बनाया और इन्होंने ये कहा कि हम सबसे पहले हमने अपना एहतब कमीशन बनाया उसके कार्रवाई चंद महीने चली थी कि उनके उसके जो चेयरमैन है उसको हटा दिया गया उसके बाद अब तक आ, नया चेयरमैन नहीं लगा और हाल ही में एक आ, उसके इतिहास कमीशन के मेंबर ने खुद ही आ, लेटर भेजा इमरान खान को भी और चीफ मिनिस्टर को कि भई ये एहतसाब कमीशन जो है ये बैठने वाली है इसमें तो कोई काम ही नहीं हो रहा और एक वज़ीर का जो रिश्तेदार है वही सब कुछ चला रहा है आ, 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 वो जो एम्प्लॉयमेंट भी है वो भी गलत तरीके से हो रही है ये तो एक मसला है दूसरा इमरान खान साहब ये सब कहते रहे कि जी आ, पंजाब में ये जंगला बस बनाया गया है और ये क्या है और इससे हम तो रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं इसकी तरफ नहीं जाएंगे अभी आखिर में उन्होंने भी बी आर टी ये यही मेट्रो का सिलसिला शुरू किया पिशावर में अभी हर एक जगह खुदाई हुई है आ, ये कह रहे थे कि अप्रैल में ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा अंदाज़ा ये है कि इसमें अभी भी तकरीबन साल डेढ़ साल और लगेगा और उसमें भी ये सिंगल ये जो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स बाकी जगहों में वो डिफ़ॉल्ट में गए थे और वो उनको वो ब्लैक लिस्ट हुए थे साथ ही साथ इन्होंने लोन लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से ये कहते हैं कि हम लोन नहीं लेंगे लोन लिया है और जो बंदी की है वो आ, सही सिमत में नहीं है रोज़ाना उसमें तब तब्दीलियाँ आ रहे हैं अगर इनके पास डिटेल्ड ड्राइंग्स वगैरह सब पहले हो, हो जा सही होती तो तब्दीली की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन चूँकि इनको जल्दी थी और इनका टाइम पूरा हो रहा था तो इसलिए इन्होंने कहा कि शुरू करो और अभी एक जगह कोदते हैं फिर बंद कर देते हैं कहीं पर पिलर्स लगाते हैं फिर पिलर का उतार देते हैं तो लोगों को परेशानी है ये दिस इज़ अनदर इशू जो के आ, सामने आए हैं उसके अलावा है, हैप एजट काम हो रहा है, है, है। इन्होंने और इस पे भी शायद इसका भी नोटिस ले नैप इसके अलावा बहुत से उनके मैं मैं आपको आपको थोड़ा सा थोड़ा सा, थोड़ सा यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा आफ्ताब शेर पाव साहब नैब पे लेगा जनरल हामिद साहब को तो घर भेज दिया आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जनरल हामिद साहब इतने रिफाइंड जनरल थे और इतने अच्छे तरीके से को चला रहे थे कमीशन को चला रहे थे उनको घर भेज दिया गया और उन उनप तो मतलब उनको तो काम ही नहीं करने दिया गया और अब नैप नैब कैसे काम करेगा प्रॉमिस में कर भी लेगा या उस पर भी दबाव डलता रहेगा जी नहीं नैब तो अभी चूंकि नैब एक इदारा है जो कि करप्शन के, के ख़िलाफ़ ये इदारा बना है नेशनल सतह पर इन्होंने आ, अपना जो बनाया है तो एक तो वैसे भी दोनों इदारे लाजमी बात है कि एक उसमें भी थोड़ी सी कंप्लीकेशन आ रही थी और जनरल हामिद को निकालने के बाद तो वो नैब आ, उनका जो एहतार वो है वो तो बट हो गया बैठ गया है और वो तो कुछ काम नहीं कर रहे तो ये इस सिर्फ दिखावे के लिए इसके अलावा लोकल बॉडीज़ का, का कानून इन्होंने बनाया इन्होंने कहा कि जी ये बाकी सूबों से मुख्तलिफ है और हम यहाँ पर सही मानो में डेवोल्यूशन आ, आ, करेंगे आ, उनको इख्तियारत देंगे फाइनेंशियल पावर्स भी देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी देंगे जब कानून बना तो उसके बाद इन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत ज़्यादा हमने दे दिए फिर आस्था आस्था बतदरीज उसी का कवानीन में ये तरामीम करते रहें उनसे इख्तियारापस ले लिये तो अभी जितने भी आ, लोकल बॉडीज़ के जो मुख्तलिफ फ़ोरम्स हैं वो सब परेशान हैं क्योंकि वही जो इख्तियारे वो कम हो गए हैं फाइनेंशियल उनकी पोजीशन भी आ, मजबूत नहीं है तो वो भी उस तरीके से आ, काम नहीं कर रहे तो ये एक और इनमिली है इसी तरीके से आ, इन्होंने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो का, 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 कानून था वो सबसे पहले इन्होंने पास किया और अब उस पर भी तर, आ, वो लेके आ रहे हैं आ, तरामीम लेके आ रहे हैं कि नहीं पहले आप ये स्पेसिफाई करेंगे कि ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट या इसमें कोई और चीज़ तो ये गवर्नमेंट की या सीक्रेसी उसकी वो तो नहीं हो रही तो आ, हर एक चीज़ में पहले करके उसके बाद उसको दोबारा यू टर्न लेके उनको दोबारा वो कर रहे हैं आपने देखा उसको तो दोबारा करने की कोशिश करते हैं जे आंडू करने के हर एक चीज़ में ये सूरत हाल आ, आ, शुरू है इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जी हमने पुलिस को बड़ा पुलिस में रिफॉर्म्स किए हैं और एक पोलिटिकल हो गया है आ, मेरा ख्याल है कि उस पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ भी नैब आ, ने नोटिस जारी कर दिए हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं जो कि जिसमें जो चीज़ें टेंडर्स किए गए हैं उस पर भी इनमीलिज आई हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा पुलिस में भी जो ये कहते हैं कि फ़र्क पड़ा है और उसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है मैं आपको बताऊं दो तीन केसेस जो एप्ट डी ए खान में जो केस हुआ जो लड़की को आ, नंगा सड़कों गलियों में घुमाया गया है उसमें जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे वो एक मिनिस्टर के इमा पर आ, उसको नहीं पकड़ा गया वो अभी तक नहीं पकड़ा गया इसी तरीके से दिया, और जगह के दिया, अगर दिया, ये कहते हैं तो डीएनए की लेबोरेटरी इनके पास फोरेंसिक लेबोरेटरी नहीं थी और इनको मजबूरन जो मर्दान वाला केस है पंजाब से मदद लेनी पड़ी अभी उन्होंने कहा कि जी हमने एकमेंट ले लिया है मुझे नहीं पता कितने जल्दी कैसे इक्वमेंट इन्होंने ले लिया है तो हर एक चीज़ में तजादात हैं और ये अभी आस्ता-आस्ता सामने आती जा रही हैं एजुकेशन में इन्होंने कहा पायलट प्रोजेक्ट किया कि जी वो कंटेनर्स में वो स्कूल के ये पायलट प्रोजेक्ट है और इसमें ये स्मार्ट स्कूल इर का इन का इनहिला किया इन शुरू किया वो दोबारा बंद कर दिया है आ, इन्होंने कहा कि हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों में प्राइवेट आ, स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं हालांकि जब रिज़ल्ट आया तो इनके स्कूलों का रिज़ल्ट प्राइवेट स्कूलों से बहुत ख़राब था तो ये हर एक चीज़ में इसी तरीके से हेल्थ में आप देखें हेल्थ में हर एक जगह में कोई नए अस्पताल तो बना नहीं आ, जो एकमेंट हैं सब नाकारा है और ये सब चीख रहे हैं असल जो बुनियादी मसला है वो ये है चूँकि इस्लामाबाद में या बाकी जगहों में इतने रोज़ाना के न्यूज़ होते हैं कि हमारे सूबे पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या प्रिंट मीडिया का उस तरीके से तोज्जो नहीं मिला उसको और ये चीज़ें सामने नहीं आई अभी इमरान खान जब पंजाब में या सिंध में कहते हैं कि जी हमने पुलिस का ये कारनामा कर दिया तो लोग कहते हैं अच्छा ये भी हो गया हालांकि दर हकीकत कुछ भी नहीं है सोशल मीडिया पर पसंद नहीं आई थी है। <laughs> नहीं जी हमें सब पार्टियाँ पसंद हैं आ, हम तो चाहते हैं कि जिसके साथ भी काम करें एक वर्किंग रिलेशनशिप हो और देखिए जी आ, इतिहाद चलाना नहीं इमरान खान इमरान इमरान खान से खा, आफ्ताब शेर पाव साहब जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप इतिहाद चलाना कोई आसान काम नहीं होता लेकिन शेख रशीद साहब भी तो इतिहाद चला रहे हैं इमरान ख़ान के साथ तो आपके इतिहाद को इतना आपका हनीमून इमरान खान के साथ इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया शेख रशीद साहब चला सकते हैं ये बिल्कुल सही है आपने कहा और वो चलाएंगे हाँ। देखिए हमने वहां पर दो दफा उनके साथ वो किया एक पहले किया और वो भी एक रिटर्न एग्रीमेंट था उस रिटर्न एग्रीमेंट पे कुछ क्या क्या अच्छा वो, वो। वो। रिटर्न एग्रीमेंट क्या था आफ्ताब क्या था हमने उसमें यह था कि कुछ तो हमारे पॉइंट्स थे कि भाई इन पॉइंट्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है हमारे भी एक पॉलिटिकल पार्टी है हमारे लोगों से जो जो वादे थे उसमें खासकर वो इलाके जो कि वॉर ऑन टेरर से मुतासर हुए हमने कहा उसके लिए एक ट्रस्ट का, का बनाया जाए ताकि उन लोगों को वो जो शहीद हुए हैं उनके लवैया को कुछ मिल सके जो आ, वो इलाके जो कि पासमानदा है, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूशन उसमें सब पे आ, 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 बिला होनी चाहिए ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हो बहुत सी ऐसी बातें थी उसमें हमने मैकेनिज्म भी दिया था कि अगर आपस में कोई डिस्प्यूट आती है तो उसके लिए एक मैकेनिज्म दिया था कि वो आ, दो आ, 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 बंदे उनके दो आ, हमारे बैठ के उसको रिजॉल्व करेंगे फिर भी रिजॉल्व नहीं हुआ तो प्रोविंशियल लेवल पे होगा फिर भी नहीं हुआ तो मरकजी सतह पे मगर उसको कोई नहीं फॉलो किया गया असल बात यह है कि इमरान ख़ान साहब के जहन में जो आ जाए और वो जो फैसला करे वो समझते हैं कि इतिहादी उनके साथ जो वो फ़ैसला करे उनको उनके साथ चलना पड़ेगा मैं आपको मिसाल दे आखिरी दफ़ा जो हमारे साथ वो हुआ तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब ये जीआईटी आई टी का रिपोर्ट आई तो इन्होंने कहा कि वो इस्तीफा दे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आ, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड अगर वो उनको डिसकॉलीफाई करते हैं बिल्कुल सही है नहीं भी करते हैं और वो केस चला जाता है नैब में और वो इस्तीफा नहीं देता है, तो फिर हम आपके साथ हैं उन्होंने कहा कि नहीं जी हम जो कहते हैं बस जो आ, ऐसे जो पॉलिटिकल इश्यूज थे उस पर तो ज़रूरी बात ये थी कि आ, अपने इतिहादियों को उसमें लें आ, मैं आपको शुरू में ये मिसाल दूँ कि जब प्रेजिडेंशल इलेक्शन हो रही थी इन्होंने जज साहब को नॉमिनेट किया बग़ैर हमारे हमसे मशवरा किए हमें कोई हमारे साथ मशवरा नहीं किया हमें फिर लाजमी बात है कि हमने आ, उसको वोट नहीं दिया इसलिए क्योंकि हमारे साथ मशवरा नहीं किया गया था आ, तो ये चीज़ें हैं हुँ. जो कि जिसको कि समझ शायद इमरान ख़ान साहब को नहीं है वो समझते हैं कि चूँकि हम लीड में हैं तो हम जो कुछ कहेंगे सब पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ जो हमारे इतिहादी वो हमारे साथ चलेंगे जो कि मुमकिन नहीं है आपने सबकी बात सुननी है और उसके बाद एक कंसेंसस डेवलप करके उसको आगे चलाने की जरूरत होती है सो व्हाट यू सेइंग इज़ इमरान खान साहब जो कहेंगे वही होगा बाकी जो पार्टी जिनका हुआ वो उनकी कोई सुनी नहीं जाएगी लेकिन आपने एक चीज कही यहाँ पे भी आपने भी एक भी बात, भी। बात कही बड़े मुस्... मुस्कुराते हुए और हंसते हुए <laughs> कि यहाँ पे जो पार्टी जो साथ चलती रहेगी वो सिर्फ शेख रशीद साहब की चलती रहेगी इमरान खान साहब के साथ वो क्यों कहा कि बड़ी जू मैंने बात थी आप बीच में गोल कर गए उसको देखिए जी आ... इमरान खान साहब ने तो अगर आप देखें तो कंटेनर पे जब थे तो सब पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को आ, आ, बुरा भला कहा मैं अब भी समझता हूँ ये जो जो आ, फिजा बनी हुई है राना साहब ये इलेक्शन से अभी तो इलेक्शन का इब्तदाई अभी है और इतना ज़्यादा पिच उसका वो ऊपर चला गया यानी जरदारी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ मेरा दुश्मन है मेरा ख़्याल है ऐसे अल्फ़ाज़ ये तो इंतहा ऐसे अल्फाज इल, इस्तेमाल करना सियासत में ये मुनासिब नहीं है ठीक है आप कहें कि आ, आप हमारे हरीफ़ हैं आप हमारे आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम उसे इतफाक नहीं करते हैं आपके इशूज़ से हम इतफ़ाक नहीं करते लेकिन ये कहना कि आप हमारे दुश्मन है हम आपको ये नहीं करने देंगे ख्याल है सियासत में मैंने पहली बार ऐसे बातें सुनी है और इसी तरीके से इमरान खान साहब हो, हो, हो सकता है हो 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 सकता 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 है 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 ये शेर पाओ साहब की इमरान खान भी जो स्टेटमेंट देते हैं अल्टीमेट किस्म की स्टेटमेंट देते हैं या फॉर दैट मैटर अगर पीपल्स पार्टी से कोई अल्टीमेट स्टेटमेंट आती है जो आपकी नजर में ऐसा नहीं होनी चाहिए हो सकता है किसी को मैसेज दे दिया जा रहा हो ये भी हो सकता है बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ लेकिन तो मैसेज तो के और भी तरीके होते हैं तो तो आ, क्योंकि तो आवाम तक ये बात जब पहुंचती है और जिस तरीके से या इमरान खान साहब उनकी तो एक ही एजेंडा है कि इन्होंने इतनी करप्शन की है इतनी वो की है आ, एक तरफ तो अदालतों की वो पासदारी करते हैं कि जी बिल्कुल अदालतें बिल्कुल सही है लेकिन जब उनके खिलाफ आ, आ, केस हद तक का केस आ, 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 हाई ये आ, हाई कोर्ट में या सेशन जज के पास चलता है तो फिर खुद जाती नहीं है और कहते हैं कि बिल्कुल ना उनका वकील जाता है इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन में जो उनके खिलाफ अभी तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी केस उधर भेज दिया है इलेक्शन कमीशन में लेकिन इनके खिलाफ जो इनके जो डोनेशन है उसका जो वो फंड्स की जो केस है उसमें तो वो जाते ही नहीं है और ये कोशिश हो होती है कि इसको डिले करें तो फिर आप अगर अदालतों का आप एहतराम करते हैं तो फिर सही एहतराम करें और हम ये समझते हैं कि सब पोलिटिकल पार्टीज को एहतराम करना करना चाहिए ये हो जाती है तो आपका क्या स्ट्रेस होगा और अगर कल मुस्लिम सड़कों पे आने की कोशिश करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को अगर सजा हो जाती है तो फिर आप भी उन सड़कों पे आएंगे उनके साथ प्रोटेस्ट करेंगे या हाउ विल इट वर्क फॉर यू गाइस आपकी पार्टी या आप क्या फैसला करेंगे राना साहब एक तो जो जहां तक कोर्ट के फैसला का ताल्लुक है हम उसके एहतराम करेंगे आ, हमने अच्छा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया हमने उसका एहतराम किया उसमें कोई दो आरा नहीं है आ, उनको जो, जिनके ख़िलाफ़ होता है वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और करते रहें जहाँ तक सड़क सड़कों के पे आने की बात है अभी ये देखने की बात होगी मुझे ऐसे आ, एक चीज़ तो है कि सिम्पति बड़ी है उनके साथ इसमें कोई शक नहीं है आ, नवाज़ शरीफ साहब के साथ और पी के साथ सिम्पत्ति बड़ी है आ, ये एक बड़ा इंतहा एक फैसला होगा जिसके बाद अमल ज़रूर देखने में आएगा कि कैसे अमल होता है मैं इतना मैं नहीं समझता हूँ कि ज़्यादा तादाद में लोग निकलेंगे लेकिन अगर अच्छा। वोट के तक बात पहुँचे तो वोट में ज़रूर सिम्पत्ति वोट उनको मिलेगी अच्छा सो so अगर मियाँ नवाज दिस इज वॉट यूर सेग कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को सजा होती है अगर तो फिर ज्यादा लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे लेकिन वोट की जब बात आएगी तो उनको सिम्पती वोट मिल सकता है दिस इज वॉट जी, से मेरी ये राय है ओके ठीक है अच्छा तो इफ़ इज नॉट इन द गेम इफ मियां नवाज शरीफ साहब

और आ, हमने मुख्तलिफ इशूज़ पर उनको अपोज़ किया है और आ, अपना एक राय कायम की है इसमें कोई दो राय नहीं है हम आ, आ, ना उनके साथ आ, उनके बेंचेस पे बैठे हैं ना उनके साथ आ, वो बल्कि हमें खुद आ, बहुत सी चीज़ों पे आ, हम उसको क्रिटिसाइज़ करते रहें क्योंकि जहाँ तक ये जो कुछ खैबर पुख्तनख्वा में हो रहा है या पशतूनों के साथ हो रहा है और इसको तोज् नहीं दी गई है तो ये इसकी बुनियादी वजह यह है कि मरक़ में हुकूमत ने वो अपने इतने इश्यूज़ में पसे रहे कि इसके ऊपर तोज्ह नहीं दी गई है जो कि इतना मसला बढ़ गया है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इसी तरीके से अफगानिस्तान का इशू पे उन्होंने तोज्जो नहीं दिए मैं समझता हूँ कि आ, आ, इस हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी अब तक हमें कोई वाज़ फॉरेन पॉलिसी नज़र नहीं आई इसी तरीके से मीशत भी दिन दिन ख़राब होती जा रही है ये सब चीज़ें जो हैं ये लोगों के सामने हैं बिजली की जहाँ तक बात है तो वो कहते हैं कि लोड शेडिंग दो हज़ार अठारह में उनका ख़त्म हो जाएगा शायद पंजाब में ख़त्म हो जाए लेकिन हमारे सूबे में वैसी कि वैसी लोड शेडिंग बारह से चौदह या अठारह घंटे लोड शेडिंग बाना ये बनाएंगे कि जी वो बिल नहीं देते हालांकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आ, सारा फसूदा है आ, और आ, वो लोड नहीं ले सकती उसके ऊपर उन्होंने तोजो नहीं दी इसी तरीके से सी पैक में भी हमें जो हम चाहते थे क्योंकि वो एक पसमानदा सूबा है तोज्जो देनी चाहिए थी वो तोज्जो हमें नहीं दी गई है तो ये सब हमारी महरूमिया हैं जो कि हम आ, सामने ला रहे इसी तरीके से आ, फाटा वाला इशू भी आ, इन्होंने आखिरकार गोली कर दिया क्योंकि जो तो थी कि ये वो मर्ज हो जाएगा वो सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही इलेक्शन से पहले ठीक है अच्छा एक चीज़ और समझाए मुझे आ, अगर कल को कोई एमनेस्टी स्कीम आती है अगर हकूमत पाकिस्तान कोई एमनेस्टी स्कीम यहाँ पे अनाउंस करती है और एमनेस्टी स्कीम ऐसे अनाउंस करती है कि वो कहें हकूमत पाकिस्तान कहे जनाब के एक माह के अंदर अंदर जिन लोगों के पैसे बाहर पड़े हुए है हैं जो डिक्लेयर नहीं है या जायदादें जिन लोगों ने बाहर बनाई हुई हैं उनको डिक्लेयर नहीं किया हुआ उनको एक महीने के अंदर अंदर डिक्लेयर कर दे तो उसमें दो तीन परसेंट टैक्स दे के तो वो सब चीज़ें जायज़ हो जाएगी और दूसरे महीने अगर वो डिक्लेयर करें तो उसको पाँच छः परसेंट दे के उसको डिक्लेयर कर ले वो सब चीज़ें जायज़ हो जाएंगी और अगर इसी तरह तीसरे महीने अगर कोई डिक्लेयर करता है तो वो कोई आठ नौ परसेंट दे के टैक्स पाकिस्तान की हुकूमत को उनको जायज़ कर दिया जाए सो इस तरह की अगर कोई स्कीम आए क्योंकि लगता ये है कि जो डॉलर जो बड़ा है डॉलर में अगर ऐसी स्कीम कोई आ जाती है डॉलर ऑलरेडी बढ़ चुका है तो जिन लोगों ने अपना डॉलर बाहर भेजा था या जायदादें बाहर खरीदी थी उन्होंने उस वक्त साठ पैंसठ रुपये का डॉलर लिया होगा और इसी हिसाब से पाउंड लिया होगा तो उस हिसाब से उन्होंने जायदादें भी ख़रीदी उस हिसाब से उन्होंने पाउंड भी ख़रीदे वो जो बाहर पड़े हुए मुख्तलिफ़ मुल्कों में और यहाँ पर अगर दो चार परसेंट छः परसेंट दस परसेंट लेके कुत पाकिस्तान उसको डिक्लेयर कर देती है कि जनाब ये सही हो गया काम इनका इनके सारा पैसा क्लीन है तो वो उनको तो पैसा डॉलर वैसे ही बढ़ गया है उनको जिस हिसाब से उन्होंने डॉलर भेजा था वो डॉलर वैसे ही उनको प्लस पॉइंट मिल गया हंड्रेड परसेंट तकरीबन इंक्रीज हो गया डॉलर तो वो उनके लिए तो सब अच्छे की रिपोर्ट है तो अगर इस किस्म की कोई आती है तो विल यू बी फॉर इट जी आप इसकी हिमायत करेंगे देखिए राना साहब और राना साहब ऐसी स्कीमें पहले भी आई हैं और फेल हुई है हम समझते हैं कि ये ये इससे काम नहीं चलेगा आ, अवल बात तो ये है कि ये बाहर जो लोगों ने पैसा इलीगल तौर पर ले गए हैं उनको आप लीगल क्यों कर रहे हैं आखिरकार उनको बगैर सजा के आप उनको वो कर रहे हैं आप कहते हैं कि जी ये इसलिए कर रहे हैं कि जी डॉलर हमारे <laughs> रिजर्व कम हो रहे हैं ऐसे बढ़ जाएंगे ये तो कोई इसका वो जवाब नहीं है आठ दस दस बिलियन की वो भी दे दी है जी नहीं ये इसका तो ये तरीका तो नहीं है ना आईएमएफ की वजह से इन्होंने डॉलर की कीमत रुपए की कीमत क़दर कम कर दी आ, असल बात यह है कि आया इन्होंने टैक्स वसूल किए लोगों से इतने हमारे दस या ग्यारह परसेंट लो, लोग साढ़े दस ग्यारह परसेंट लोग टैक्स देते हैं आखिरकार ये मुल्क कैसे चलेगा कि बस चंद सालों बाद फिर एमएनएसटी स्कीम दोबारा वो कर दी जाएगी और लोगों को कहेंगे कि so आप, आप बेसिकली आप बेसिकली इस आप बेसिकली आप इस स्कीम के खिलाफ हैं यू आर अगेंस्ट दिस थिंग जी बिल्कुल जी बिल्कुल खिलाफ हूँ क्योंकि ये इससे okay. ना काम बनना है।, है और चोरों के पैसे आप उसको लीगलाइज कर रहे हैं ये कहाँ का इंसाफ है ठीक है बिल्कुल ठीक है आफ्ताब शेरपाव साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल तो बहुत करता है कि आपसे और भी बातें की जाए लेकिन फिर किसी और वक्त आप भी वक्त निकालिएगा और हम आपको ले आएंगे अपने शो में और आपसे गप लगाएंगे जी फिलहाल इजाज़त दीजिएगा जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूंगा जी कि जो बार बार मैं कहता हूं और एक मरत फिर मैं यहां पे कहूंगा कि जनाब कॉरिडोर ऑफ़ पावर में इतना पैसा इतनी करप्शन इन्वाल्व हो चुकी है कि नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है अगर इस किस्म की सिचुएशन हो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और बड़ा सीरियसली एड्रेस करने की इसको ज़रूरत है और जहाँ पे इतनी करप्शन हो हर चीज़ पैसे से ख़रीदी जाती हो हर चीज़ पे पैसा चलता हो वहाँ पे ना तो कोई टैक्स देता है टैक्स इसलिए नहीं देता कि ट्रस्ट डेफिसिट होता है यकीन नहीं होता लोगों को इतबार नहीं होता हुकूमत पे कि उनका पैसा जो टैक्स का दिया हुआ है वो सही जगह पे लगेगा या नहीं लगेगा सो एक इशू वो और नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है क्योंकि करप्शन एवानों में पहुंच चुकी है फिलहाल राना मुबिर को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़